कटी हुई मुंडी बेड के नीचे रखी हुई थी। उस कटी हुई मुंडी के आसपास का खून सूख चुका था। मुंडी में कुछ कीड़े पड़ गए थे और ऐसा भी लग रहा था कि चूहों ने कई जगह से उस मुंडी को कुतर दिया हो। उस मुंडी के ऊपर अभी भी बाल लगे हुए थे और पीछे एक चोटी बंधी हुई थी। उस मुंडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जिस शख्स की वो मुंडी थी उसने सामने के अपने बाल पूरे कटा लिए थे और पीछे चोटी रखी हुई थी। साहब, ये किसकी मुंडी है? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। पता नहीं माखनलाल साहब, मुंडी यहाँ पर है तो घर कहाँ पर है? माखनलाल ने कहा। ऊपर देखो माखनलाल, अजय ने छत के ऊपर देखते हुए कहा। जब माखनलाल ऊपर देखता है तो और शॉक्ड हो जाता है। छत पर किसी का धड़ लटक रहा था। धड़ लगभग पूरा सड़ चुका था। वो धड़ भी सिर्फ ऐसा था जिसमें हड्डियों के ऊपर चमड़ी थी। वो चमड़ी सफेद पड़ गई थी और चमड़ी कई जगह से फटी हुई थी। उससे बहुत गंदी गंध आ रही थी। उस धड़ ने पुजारियों वाले कपड़े पहने हुए थे और गले में रुद्राक्ष की माला थी। साहब, देखने से तो किसी पुजारी का धड़ लगता है। हाँ माखनलाल, सही कहा, पर पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये धड़ किसका है। लाश पूरी तरह गल चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ साहब, सही कहा आपने। वो देखो माखनलाल, जो लाश छत पर लटक रही है उसके राइट हैंड की कलाई पर ओम लिखा हुआ है। हाँ साहब, और ओम जो बना हुआ है उसमें पीछे से सांप जैसी ऊ की मात्रा निकल रही है। माखनलाल कुछ सोचने लगता है, जैसे कि वो कुछ जानता है उस निशान के बारे में। कुछ पल के बाद माखनलाल कहता है, ये निशान तो देखा देखा लग रहा है मुझे। क्या कहा? देखा देखा? याद करो माखनलाल, कहां पर देखा है तुमने ये निशान? साहब, याद नहीं आ रहा। हाँ याद आया, ऐसा निशान तो पंडित सुशीलाचार्य जी के हाथ में था। माखनलाल ने याद करते हुए कहा। क्या कहा? सुशीलाचार्य जी के हाथ में? अजय ने हैरानी के साथ कहा। हाँ साहब, दो मिनट, मेरे पास सुशीलाचार्य जी की फोटो है, अभी पता चल जाएगा ये लाश उनकी है या नहीं। माखनलाल अपना मोबाइल निकालता है और उसमें सुशीलाचार्य की फोटो ढूंढने लगता है। ये देखिए साहब, ये फोटो 4 साल पुरानी है, महाशिवरात्रि की। हर साल उस दिन मेघनाथ मंदिर में बहुत बड़ा यज्ञ होता है। उसी दिन मैंने पंडित सुशीलाचार्य जी की ये फोटो खींची थी। उस फोटो में पंडित सुशीलाचार्य जी शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे थे और उनके हाथ में बना ओम का निशान साफ साफ उस फोटो में नजर आ रहा था। अजय फोटो वाले निशान और छत पर लटक रहे धड़ के हाथ के निशान को मिलाने लग जाता है और कहता है, हाँ माखनलाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो पंडित सुशीलाचार्य जी का ही धड़ है। पर साहब, पंडित सुशीलाचार्य जी को किसने मार दिया? पता नहीं माखनलाल। साहब, वो देखिए, ऊपर जो पंडित सुशीलाचार्य जी का धड़ लटक रहा है उसके पेट में छेद है, यानी इनकी भी नाभि गायब है। इसका मतलब ये है कि इनको भी मेघ की चुड़ैल ने ही मारा है। मेघ की चुड़ैल ने नहीं माखनलाल, उसी साइको किलर ने। साहब, अब तो यकीन कीजिए मेरी बातों का। भला आप ही बताइए, कोई इतने बुरे तरीके से किसी को मार सकता है क्या? धड़ ऊपर लटक रहा है और मुंडी बेड के नीचे है। माखनलाल, तुम नहीं जानते इन साइको किलर को, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर एक दरिंदा होता है जिनका काम लोगों को बुरे तरीके से मारना ही होता है। इन्हें बहुत मजा आता है इस काम में। चलिए साहब, एक बार के लिए मैं मान भी लूं आपकी बात की पंडित सुशीलाचार्य जी को किसी साइको किलर ने मारा है, पर आप एक बात बताइए ना कि इनका धड़ फिर ऊपर कैसे लटक रहा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिना किसी सहारे के धड़ लटकना। वो माखनलाल, मैंने कहा ना, ये साइको किलर है, कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब छोड़ो, तुम तो ये सोचो कि
पंडित सुशलाचार्य जी इस घर में आए क्यों थे और ये घर किसका है? जितना मुझे लाश को देखकर लग रहा है, ऐसा लगता है कि लाश करीब एक साल से यहीं पर है। देखो, लाश सड़ भी चुकी है और बहुत गंदी बदबू आ रही है इससे। हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पंडित सुशलाचार्य जी को पता था कि मेघ गांव के अंदर चुड़ैल घूम रही है और वो बहुत ताकतवर हो गई है, फिर ये सब जानते हुए भी वो मेघ गांव के अंदर क्यों आई? अब क्यों आई ये तो वही बता सकते थे माखनलाल। एक काम करो, टीम को कॉल करो और उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर बुलाओ। जब तक मैं इस घर की तहकीकात करता हूँ, जरा देखूं तो सही है किसका घर है। जी साहब। माखनलाल पंडित सुशलाचार्य की लाश के पास ही रुकता है और अजय घर के अंदर तहकीकात करना शुरू कर देता है। अजय घर का कोना कोना ढूंढ रहा था और सोच रहा था कि कुछ तो उसके हाथ में ऐसा लग जाए जिससे वो केस की तहकीकात आगे जारी रख सके। अजय हर कमरे के अलमारी का दराज खोलकर देख रहा था, फाइलों पर पड़ी धूल साफ करके देख रहा था कि उसको कुछ ना कुछ मिल जाए, पर उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। अजय घर के अंदर सुराग ढूंढते ढूंढते थक जाता है और वापस से माखनलाल के पास चला जाता है। क्या हुआ साहब, आपको कुछ मिला क्या? नहीं माखनलाल, कुछ नहीं मिला। पता नहीं चला कि ये घर किसका है। रानी की बात है कि घर के अंदर एक भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चल जाए कि ये घर किसका है। एक बार बाहर भी जाकर देख लिया जाए, दरवाजे पर नेम प्लेट भी लगी है कि नहीं। हाँ साहब, ये तो बहुत ही अजीब बात है। तुमने कॉल कर दिया टीम को? हाँ साहब, कॉल कर दिया। वो बस आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। बढ़िया है। इतना कहते हुए अजय नीचे झुक जाता है और पंडित सुशलाचार्य की कटी हुई मुंडी देखने लग जाता है। आप क्या कर रहे हैं साहब? कुछ नहीं माखनलाल, बस पंडित सुशलाचार्य की मुंडी देख रहा हूँ। अजय अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेता है और बेड के नीचे जाने लगता है। साहब आप अंदर क्यों जा रहे हैं? अभी टीम आ रही ना, तभी अंदर जाइएगा। अजय माखनलाल की बात का कोई जवाब नहीं देता और बेड के अंदर घुस जाता है। बेड के अंदर बहुत अंधेरा था। अजय अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे बेड के नीचे की आसपास की चीजें देखने लग जाता है। बेड के अंदर बहुत धूल जमी हुई थी। अजय के हाथों की आस्तीनों में धूल लगने लग गई थी। साहब आप ये क्या कर रहे हैं अंदर बेड के नीचे घुसकर? माखनलाल ने कहा। अजय फिर से माखनलाल की बात का कोई जवाब नहीं देता। अजय आगे बढ़ते बढ़ते बेड के नीचे पड़ी पंडित सुशलाचार्य की मुंडी के पास पहुंच जाता है। जब अजय अपने मोबाइल की टॉर्च पंडित सुशलाचार्य की मुंडी पर मारता है तो एक पल के लिए वो भी डर जाता है। पंडित सुशलाचार्य की मुंडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अजय को घूर रही हो। उनकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकली हुई थी। उस मुंडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अभी भी जान हो। अजय धीरे धीरे अपना हाथ उस मुंडी के पास ले जाता है और उस मुंडी को उठाने लग जाता है। अजय को भी ये करते हुए बहुत घिन आ रही थी क्योंकि उस मुंडी में कीड़े लगे हुए थे और अभी भी बहुत बदबू आ रही थी उसके अंदर से। साहब आप ये क्या कर रहे हैं नीचे? माखनलाल ने नीचे झुकते हुए कहा। जब माखनलाल अजय को मुंडी उठाते हुए देखता है तो मुंह बनाते हुए कहता है, जी साहब आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला ना टीम आ रही है, वो सब कुछ कर देगी, आप इस मुंडी को क्यों हाथ लगा रहे हैं? जब अजय पंडित सुशलाचार्य की मुंडी को जमीन से उठाता है तो उसके अंदर के काले काले कीड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं जो माखनलाल के पास जाने लगते हैं। साहब नीचे रख दीजिए वापस इस मुंडी को, आपने देखा नहीं इसमें कीड़े लगे हुए हैं, कहीं ये हमारा भी मांस ना खा ले, माखनलाल ने कहा। माखनलाल की नाक के पास वो कीड़े भिन भिन करके मडराने लग जाते हैं। माखनलाल अपने हाथों से उन कीड़ों को दूर करने लग जाता है। अजय उस मुंडी को अपने हाथ में उठाता है तो देखता है कि जिस जगह से उसने वो मुंडी उठाई थी उस जगह पर कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। अजय मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये कांच के टुकड़े यहाँ पर कहाँ से आ गए।
अजय अपने एक हाथ में पंडित सुशलाचार्य की मुंडी पकड़ता है और दूसरे हाथ से मोबाइल की टॉर्च जमीन पर मारने लगता है, जहां पर पहले पंडित सुशलाचार्य की मुंडी पड़ी हुई थी। जब वो मोबाइल की टॉर्च जमीन पर मारता है तो देखता है कि उसके कुछ आगे ही कुछ सामान पड़ा हुआ था, जहां पर कुछ और कांच के टुकड़े भी बिखरे पड़े थे। माखनलाल, जरा ये मुंडी पकड़ना। अजय ने मुंडी वाला अपना एक हाथ बैट के नीचे से बाहर निकालते हुए कहा। साहब मैं? माखनलाल ने डरते हुए कहा। यहाँ पर तुम्हें कोई दूसरा माखनलाल दिखाई दे रहा है क्या? माखनलाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें ही बोलूंगा ना, पकड़ो उसे। माखनलाल डरते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने दोनों हाथों से पंडित सुशलाचार्य की मुंडी को पकड़ लेता है। अजय अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आसपास कांच के टुकड़े को हटाकर सामने पड़ी चीज को उठा लेता है, जो कि एक फोटो फ्रेम था। अजय उस फोटो फ्रेम को लेकर बेड के नीचे से बाहर निकल जाता है। ये क्या है साहब? माखनलाल ने कहा। पता नहीं माखनलाल, वहां पर नीचे पड़ा हुआ था। अजय फोटो फ्रेम को पलटता है, उसके अंदर लगी तस्वीर को देखने लग जाता है। फोटो फ्रेम का कांच टूटा हुआ था और उसके अंदर एक औरत की तस्वीर थी। साहब ये तो एक औरत की तस्वीर है। हाँ माखनलाल, और हो सकता है ये घर इसी औरत का हो। ये औरत है कौन?